अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग यू अ पोएम द मून। सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 39 एंड लेट्स स्टार्ट। देयर आर थ्री स्टैंजास इन दिस पोएम। द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वीज and bird is asleep in the forks of trees. There are some rhyming words in this stanza. Hall and wall are rhyming words and quiz and trees are rhyming words. The poet is saying कि moon जो है वो एक clock जैसा गोल चेहरा रखता है, यानी उसका मुंह जो है clock जैसा गोल है और वो गार्डन चोरों के ऊपर चमकता है रात के वक्त और दीवार पे चमकता है बाग की, और वो गलियों में, खेतों में और बंदरगाह की घाट पर चमकता है। बेटा हार्बर बंदरगाह को कहते हैं, और ये बिल्कुल जैसे एरोप्लेन्स का एयरपोर्ट होता है, इस तरह शिप्स की हार्बर होती है, बंदरगाह होती है जहाँ पर शिप्स जो हैं वो स्टे करते हैं। और क्वीज़ जो है ये घाट होते हैं, ये एक्चुअली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं जो के बिल्कुल उसके किनारे समंदर के बने होते हैं, इन्हें क्वीज कहते हैं। और परिंदों पर चमकते हैं, एंड बर्ड इज स्लीप इन द फॉक्स ऑफ ट्रीज। बेटा फॉक्स होते हैं कि वो कांटों जैसी शाखें जो दरख्तों की होती हैं, ठीक है, इन्हें दो शाखें भी कहते हैं। और वो परिंदे जो दरख्तों की दो शाखों पर सोए होते हैं, उन पर भी चांद चमकता है। बेटा इस स्टैंजा में आपने देखा कि मून के लिए इट की जगह शी का वर्ड यूज हुआ है। वाई? Is moon a girl? Is moon a woman? No. But we use sometimes we use she for moon. इसकी रीज़न ये है बेटा कि ऑलमोस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे इधर, जैसे अर्थ है, जुपिटर है, जब हम इन प्लैनेट्स को स्पेशली किसी पोएम के अंदर यूज़ करते हैं ना, पोएम के अंदर इनका नाम आता है, तो फिर उसके लिए हम she यूज़ करते हैं, it नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून एंड लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। माउस एंड हाउस आर राइमिंग वर्ड एंड नून एंड मून आर राइमिंग वर्ड। अब शायर ये कह रहा है कि स्क्वेलिंग कैट, बेटा अब अंडरलाइन द वर्ड स्क्वेलिंग, स्क्वेलिंग मीन शोर मचाती हुई, शोर मचाती हुई बिल्ली, एंड द स्क्वीकिंग माउस और ची ची करता चूहा, जो चूहे की आवाज़ होती है ना उसका साउंड, वो स्क्वीकिंग साउंड होता है, ची ची की आवाज़ें निकालता है, और ची ची करता चूहा, द हाउलिंग डॉग गुर्राता हुआ डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस घर के दरवाजे पर, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून। बेटा एक बैट वो है जिसके साथ आप खेलते हो, और बैट का दूसरा मीनिंग चमगादड़ है, ये एक एनिमल है, ठीक है, बैट जो कि उड़ने वाला है, इसको ये मैमल है और इस वजह से इसको एनिमल ही में कंसीडर किया जाता है। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, और चमगादड़ जो दिन के वक्त बिस्तर पर होती है, ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, ये सब चांद की रोशनी में बाहर आना पसंद करते हैं। लास्ट स्टेंजा, बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आईज टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शेल राइज। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट हमें उन चीज़ों के बारे में बता रहा है जो रात को नहीं जागती बल्कि रात को सोती हैं। वो ये कह रहा है कि वो सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक दिन के साथ है, जिनमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल को आपने अंडरलाइन करना है। कडल मीन चिमटाना, चिमट कर सो जाना। वो कह रहा है कि वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक दिन के साथ होता है वो उसके रास्ते से हट जाती हैं, यानी चांद के रास्ते में नहीं आती और वो सिमट कर सो जाती हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, और फूल और बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे आप हैं, आपकी मामा आपको जल्दी जल्दी सुला देती हैं कि रात होगी ये सो जाओ,
टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शेल राइज, और उस वक्त तक वो सोते हैं जब तक के सूरज नहीं निकलता. आई होप यू लाइक द पोइम. नाउ कम टू द एक्सरसाइजेज. आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मून्स फेस कंपेयर्ड टू, यानी चांद के चेहरे को किस से मिलाया गया है. कंपेयर करना, मिलाना, यानी कैसा लग रहा है चांद का चेहरा. तो आपने उसमें पढ़ा है अ क्लॉक, यानी एक क्लॉक जैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस, बेटा वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ. व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट द मून शाइन्स ऑन एट नाइट, वो कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके ऊपर चांद रात को चमकता है. जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा है तो वहीं से हम अपना आंसर लेंगे. द मून शाइन्स ऑन थीव्स स्ट्रीट्स फील्ड्स एंड हार्बर क्वीज. क्वेश्चन सी विच क्रिएचर्स लव टू बी आउट एट नाइट, कौन सी मखलूकात रात को बाहर आना पसंद करती हैं. बैट्स डॉग्स माइस एंड कैट्स. क्वेश्चन डी व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू एट नाइट, वो चीज़ें जिनका ताल्लुक दिन से है अब रात को क्या करती हैं, सो जाती हैं. तो इसके लिए हमारा आंसर होगा कडल टू स्लीप. ओके, कडल टू स्लीप यानी वो सिमट कर सो जाती हैं. क्वेश्चन ई द पोइट हैज़ मैंशनड वेरियस क्रिएचर्स ऑफ द नाइट, शायर ने रात की मुख्तलिफ मखलूकात का जिक्र किया है. विच अदर क्रिएचर्स डज द मून शाइन ऑन एट नाइट, वो और कौन सी मखलूकात हैं जिन पर चांद रात को चमकता है. बेटा देयर आर लॉर्ड्स ऑफ क्रिएचर्स, तो हम सबके नाम तो नहीं लिख सकते, तो इसका प्रॉपर आंसर ये बनेगा ऑन एवरी क्रिएचर, कि हर मखलूक पर वो चमकता है. व्हाट इज़ द आंसर, ऑन एवरी क्रिएचर. लास्ट क्वेश्चन, नेम सम क्रिएचर्स यू नो दैट लव टू कडल अप एट नाइट, उन तमाम जानदार चीज़ों के बारे में बताएं, क्रिएचर्स के बारे में बताएं जो रात को सिमट कर सो जाती हैं, सोना पसंद करती हैं. इसमें सबसे पहले आंसर में ह्यूमंस आएगा, यानी इंसान, हॉर्सेस, बर्ड्स एंड मैनी अदर क्रिएचर्स. ठीक है, दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज, सी यू सून अगेन.